गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 देखो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को ही कंटिन्यू करेंगे और टॉपिक हमारा वही है डीएनए, लेकिन सब टॉपिक होगा क्या, सब टॉपिक होगा डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, ओके। ये जो डीएनए रेप्लिकेशन है, सबसे पहले जान लो कि हम लोग ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जिसको स्टैब्लिश किया था सबसे अच्छे ढंग से हर्शे एंड चेज ने। उस एक्सपेरिमेंट का दूसरा नाम था ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हैज फॉलोइंग टू फंक्शन एज अ कैरेटिक कैरेक्टर एज अ कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए का दो फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन है पहला फंक्शन है हेट्रो हेट्रो कैटालाइटिक फंक्शन, ठीक है, और दूसरा है होमो कैटालाइटिक फंक्शन। सबसे पहले जानेंगे कि डीएनए का हेट्रो कैटालाइटिक फंक्शन क्या है, ठीक है। तो देखो, When DNA direct, when DNA direct the synthesis of RNA and protein, when DNA direct the synthesis of क्या RNA और protein क्या है? Chemical molecules है, of chemical मॉलिक्यूल्स अदर देन डीएनए, डीएनए छोड़ के जब डीएनए किसी और चीज को सिंथेसिस करे, अदर देन डीएनए, ठीक है, इसको कहा जाता है हेट्रो कैटालाइटिक फंक्शन। जैसे अभी एग्जांपल दिए, सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन, ये सब हेट्रोकैटालाइटिक, क्योंकि आरएनए या प्रोटीन डीएनए तो नहीं है। तो जब डीएनए सिंथेसिस कर रहा है बट अदर देन डीएनए दूसरे केमिकल मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन, ठीक है। अब देन such functions are called such functions are called heterocatalytic function heterocatalytic function। वैसे फंक्शन को क्या कहा जाता है? हेट्रोकैटालाइटिक फंक्शन। दूसरा, ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन। ऑटो मतलब सेल्फ, तो जब डीएनए अपना कॉपी बनाए, दैट इज रेप्लिकेशन परफॉर्म करे, दैट इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, ठीक है। तो यहां लिखेंगे व्हेन When the function of DNA direct the synthesis of DNA itself, जब function of DNA direct करता है
सिंथेसिस ऑफ डीएनए इटसेल्फ, ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्या, ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, दिस इज कॉल्ड ऑटो कैटालाइटिक फंक्शन, ठीक है। अब ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये सेल डिवीजन से पहले होता है, हम लोग ऑलरेडी 11 क्लास में पढ़ चुके हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में कि प्रायर टू एम फेज दैट इज डिवाइडिंग फेज द सेल हैज टू प्रिपेयर इटसेल्फ, सेल अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि वो डिवाइड कर सके, एंड दैट फेज इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज, बट द मोस्ट कॉमन नेम इज आई फेज दैट इज इंटरफेज, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा इंटरफेज है इसी में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो लिखेंगे रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज, रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज बिफोर माइटोसिस एंड प्रायर टू, ठीक है, एंड प्रायर टू मियोसिस वन, प्रायर टू मतलब मियोसिस वन के पहले, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मियोसिस टू के पहले आइदर इंटरफेज एब्सेंट होता है, और अगर होता भी है तो वो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है कि उसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, एंड दैट इज वाई दैट फेज ऑफ इंटरफेस इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, क्या बोलते हैं उसको, इंटरकाइनेसिस। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। ठीक है, अब और किसी को, पूजा, श्रुति, नबीला, पुष्पा, अक्षय, गोविंद, सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो ये समझ आ गया, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। समझो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेस, डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेस, ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेस। अब इसमें क्या होगा, इन क्या यूकैरियोट्स, इन यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, सेमी डिसकंटिन्यूअस एंड बाई डायरेक्शनल। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव सेमी डिसकंटिन्यूअस और बाई डायरेक्शनल होता है, व्हाइल इन प्रोकैरियोट्स, व्हाइल इन
प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया, ठीक है, मोनेरा जिसको बोल सकते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव कंटिन्यूअस एंड बाय डायरेक्शनल, सेमी कंजर्वेटिव कंटिन्यूअस एंड बाय डायरेक्शनल, किसमें यह हो रहा है, प्रोकैरियोट में। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन के कैरेक्टर में चेंज है। डीएनए रेप्लिकेशन यूकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव, इसमें भी सेमी कंजर्वेटिव प्रोकैरियोट में, यूकैरियोट में सेमी डिसकंटिन्यूअस, प्रोकैरियोट में कंटिन्यूअस, यूकैरियोट में बाय डायरेक्शनल, प्रोकैरियोट में भी बाय डायरेक्शनल, ठीक है। यानी एक ही जगह दोनों डिफर कर रहा है, दैट इज कंटिन्यूटी। यूकैरियोट में डीएनए रेप्लिकेशन और बोथ द चेन आर सेमी डिसकंटिन्यूअस, मतलब एक में कंप्लीट होगा एक में इनकम्प्लीट होगा, और इसमें दोनों में कंप्लीट होगा, ठीक है। ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन। अब इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन जो है ये बेसिकली तुम्हारा जो यूकैरियोटिक है इसमें सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए में मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन जो यूकैरियोट में होता है उसको मल्टी रेप्लोनिक कहा जाता है। देखो इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देयर इज सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। ये वो फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि डीएनए कितने बार रेप्लिकेशन करेगा। बट इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म देयर आर नंबर ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, देयर आर नंबर ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन इज मल्टी रेप्लोनिक। मल्टीपल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो मल्टीपल पॉइंट में होगा, इसलिए मल्टी रेप्लोनिक, ठीक है। बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एज वेल एज ऑरिजिन ऑफ या एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, क्लियर यहां तक। देखो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सिंगल ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, जबकि यूकैरियोटिक में नंबर ऑफ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसलिए यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है ये मल्टी रेप्लोनिक है, क्यों, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एज वेल एज एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन। ये हो गया डीएनए रेप्लिकेशन का, क्लियर, पूरा एक इंट्रोडक्शन। यहां तक में कोई क्वेश्चन पूछना है, श्रुति, पूजा, एलिना, बोलो सिमरन। सेमी कंजर्वेटिव तो बता ही चुके हैं, ठीक है, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट है मेसलसन सॉल, उससे प्रूफ करेंगे कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन इन अ डीएनए डबल हेलिक्स, डीएनए के डबल हेलिक्स में एक हाफ ओल्ड स्ट्रैंड होता है और हाफ न्यू स्ट्रैंड होता है, तो जब ये हाफ ओल्ड और हाफ स्ट्रैंड न्यू होता है दैट इज कॉल्ड
सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। लेकिन सेमी डिसकंटिन्यूअस का मतलब हुआ कि जैसे दो डीएनए का चेन है ओल्ड, और डीएनए का रिप्लिकेशन हमेशा 5-3 डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो एक में कंटिन्यूअस होगा और एक में टूट टूट के होगा, तो टूट टूट के होगा तो सेमी डिसकंटिन्यूअस है ना। अगर दोनों में एक साथ होता, दोनों में बराबर होता, दोनों में कंटिन्यूअस होता तो इसको लिखते कंटिन्यूअस। समझ आया? क्लियर सिमरन? और किसी को पूछना है? पुष्पा, अक्षय, गोविंद? ठीक है, पूजा? ठीक है, अब देखो बोला गया एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ये सबसे भी सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, एंजाइम इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन। एंजाइम्स इन्वॉल्व इन डीएनए रेप्लिकेशन, कौन कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सबसे पहला है हेलिकेज, हेलिकेजेस। अब हेलिकेजेस क्या है ये समझो, हेलिकेज एक अनविंडिंग एंजाइम है जो दो डीएनए स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर लिपटा हुआ है उसको खोलता है यानी अनकॉइलिंग करता है। तो लिखेंगे हेलिकेजेस क्या है, दीज आर अनविंडिंग एंजाइम, दीज आर अनविंडिंग एंजाइम्स, ओके। एंड हेल्प्स इन, एंड हेल्प्स इन ब्रेकिंग द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हेल्प्स इन ब्रेकिंग द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड दैट होल्ड, मतलब पकड़ के रखा है किसको, होल्ड द टू डीएनए स्ट्रैंड्स या टू स्ट्रैंड्स, मतलब डीएनए का ही होगा, टू स्ट्रैंड्स टूगेदर। तो हेलिकेज एंजाइम का क्या है, जो डीएनए का स्ट्रैंड इस तरह से कॉइल्ड है उसको अनकॉइलिंग करना, मतलब उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन से खोल देना। और इसको कौन करता है, हेलिकेज। कैसे करता है, बाय ब्रेकिंग द वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये होल्ड करता है टू स्ट्रैंड्स टुगेदर, टू डीएनए स्ट्रैंड को एक साथ पकड़ के रखता है। दूसरा टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज, ठीक है। टोपो आइसोमरेज का काम क्या है, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग, दिस एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दोनों स्ट्रैंड के ऊपर ये इंडिविजुअली काम करता है, पहले उसको ब्रेक करता है फिर उसको रीसील दोबारा जोड़ता है ताकि वो स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब तीसरा क्या है, प्राइमेज। देखो कभी भी
डीएनए रेप्लिकेशन खुद ब खुद या डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा स्टार्ट नहीं होगा। दुनिया में ऐसा कोई भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है जिसके अंदर कैपेसिटी है कि वो ऑटोमेटिकली डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करे। क्यों? बिकॉज दे रिक्वायर ऑलवेज दे रिक्वायर द हेल्प ऑफ अ शॉर्ट आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड। उसे हमेशा एक शॉर्ट आरएनए प्राइमर स्ट्रैंड का मदद चाहिए टू स्टार्ट द डीएनए रेप्लिकेशन, एंड दैट शॉर्ट आरएनए प्राइमर इज सिंथेसाइज बाय प्राइमेज एंजाइम। इसको कौन सिंथेसाइज करेगा? प्राइमेज एंजाइम। तो लिखेंगे दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। दिस हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर विच इज अ शॉर्ट डीएनए सेगमेंट, जो कि एक छोटा सा डीएनए का सेगमेंट है, दैट फॉर्म्ड ऑन द डीएनए टेम्पलेट, जो डीएनए टेम्पलेट में फॉर्म होता है, टेम्पलेट में फॉर्म होता है, एंड इज कॉम्प्लीमेंट्री। और किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? कॉम्प्लीमेंट्री टू थ्री डैश एंड। ये जो डीएनए आरएनए का आरएनए प्राइमर बन रहा है, जो कि खुद क्या है, खुद एक शॉर्ट डीएनए का सेगमेंट है, ये किसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है? थ्री डैश एंड का। फाइव डैश एंड में ये नहीं होता है। ठीक है, अब लिखेंगे इट इज एज नो डीएनए पॉलीमरेज, नो डीएनए पॉलीमरेज हैव द कैपेसिटी टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट आरएनए प्राइमर। किसी भी डीएनए पॉलीमरेज में ये कैपेसिटी नहीं है क्या टू स्टार्ट डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट आरएनए प्राइमर, एंड दैट इज व्हाई आरएनए प्राइमर इज वेरी एसेंशियल एंड सो इट इज सिंथेसाइज बाय प्राइमेज एंजाइम। यहां तक समझ आ गया? बोलो इफ देयर इज एनी। देखो डीएनए दो स्ट्रैंड है, डीएनए का जो स्ट्रैंड सिंथेसिस करेगा डीएनए को या आरएनए को उसको बोलेंगे डीएनए टेम्पलेट, और डीएनए का जो स्ट्रैंड किसी नए चीज को या डीएनए को सिंथेसाइज करने में भाग नहीं लेता है उसको बोलेंगे नॉन टेम्पलेट। समझ आया? ठीक है, और किसी को पूछना है? पुष्पा, एलिना। देखो प्राइमेज एंजाइम क्या काम करता है? प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर का सिंथेसिस करता है। क्यों? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन करता है, ये सही है, लेकिन स्टार्ट करने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज को किसका मदद चाहिए? शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए प्राइमर, और इस आरएनए प्राइमर को कौन सिंथेसाइज करता है? प्राइमेज एंजाइम। समझ गए? क्योंकि जब तक प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर को नहीं बनाएगा डीएनए रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज स्टार्ट नहीं कर पाएगा। अब तुमसे कोई पूछेगा आरएनए प्राइमर है क्या, तो ये एक शॉर्ट डीएनए का सेगमेंट है, ठीक है, जो कि कहां पे फॉर्म होता है? डीएनए टेम्पलेट में फॉर्म होता है। और ये डीएनए सेगमेंट जो कि आरएनए प्राइमर है, इसका नेचर है इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू थ्री डैश एंड। क्लियर? ठीक है, अब थर्ड एंजाइम क्या होगा? प्राइमेज हो गया, अब होगा डीएनए पॉलीमरेज। और किसी को पूछना नहीं है ना? ठीक है, फोर्थ डीएनए पॉलीमरेज़।
ठीक है। ये जो तुम्हारा डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये तीन तरह का होता है, इट इज ऑफ थ्री टाइप, इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज वन, इसका काम क्या है, इट रिमूव द सॉर्ट, इट रिमूव द सॉर्ट, इट रिमूव द सॉर्ट आरएनए प्राइमर एज द डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। जैसे ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, आरएनए प्राइमर को डीएनए टेम्पलेट से रिमूव करता है डीएनए पॉलीमरेज वन। दूसरा, डीएनए पॉलीमरेज टू, इट हेल्प्स इन प्रूफ रीडिंग। अब तुम लोग पूछोगे, सर प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है? जब डीएनए का बेस पेयरिंग होता है तो हर 10 बेस पेयर जब बनता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी होता है कि आउट ऑफ एवरी टेन थाउजेंड एक बेस पेयर रॉन्ग होता है, यानी गलत हो जाता है। जैसे ए के साथ टी का होना चाहिए, इसके साथ इसकी जगह जी का हो गया, तो इसको पकड़ता कौन है? डीएनए पॉलीमरेज टू। और फिर रिपेयर इंजाइम के द्वारा उस गलत इंजाइम को हटाता है और सही इंजाइम को यहां पे जोड़ा जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग टू फाइंड आउट क्या एकदम होता, ऑटोमेटिक होता है हमारे बॉडी में। अगर ऐसा नहीं हो तो ये तो मेल फंक्शनिंग क्रिएट करेगा ना बॉडी में, फिर वो डीएनए जो है उसका स्टेबिलिटी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि ए के साथ टी और जी के साथ सी है तो 100% सियोर है ना। तब और तीसरा क्या है, डीएनए पॉलीमरेज थ्री, डीएनए पॉलीमरेज थ्री। देखो डीएनए पॉलीमरेज थ्री क्या है, बोला जा रहा है दिस कैन लिंक फ्री न्यूक्लियोटाइड्स या फ्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स टू फॉर्म, क्या बनाएगा, टू फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यानी जो डीएनए का सिंथेसिस शुरू होता है वो डीएनए पॉलीमरेज थ्री करता है। कैसे, जो फ्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड है उसको जोड़ के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बनाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों बोले हम, जेरोक्स कॉपी तो नहीं बोले। देखो अगर ओल्ड में है ए टी जी सी तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसमें भी ए टी जी सी थोड़ी होगा, उसमें होगा ए का टी, टी का ए, जी का सी, सी का जी, और इस तरह के स्ट्रैंड को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। समझ आया, इट कैन लिंक फ्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड, लिंक फ्री डीएनए न्यूक्लियोटाइड टू फॉर्म द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, फुल स्टॉप। द पॉलीमरेज सिंथेसाइज डीएनए इन 5-3-direction हो गया। अब आ जाओ फोर्थ में, फोर्थ इंजाइम, फिफ्थ हो गया फोर्थ, अब फिफ्थ में आओ। फिफ्थ में क्या है, डीएनए लाइगेज, लाइगेज होता है जोड़ने वाला,
लाइगेट का मतलब ही होता है एडिंग। इसमें क्या होगा, दिस इंजाइम कैन join together, this enzyme can join together the short fragment, ठीक है, of DNA, ठीक है, इसका काम है short fragment of DNA को जोड़ना, बस इतना जानना। और ये तभी होगा जब आरएनए प्राइमर को रिप्लेस कर देगा डीएनए पॉलीमरेज वन। और एक लास्ट अभी तुम लोग को बताएं, रिपेयर एंजाइम, रिपेयर एंजाइम क्या बोल रही है, डीएनए को डीएनए के साथ बोल तो रहे, द एंजाइम कैन जॉइन टूगेदर शॉर्ट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए लाइगेस को बोला जाता है रीसीलिंग एंजाइम। रीसीलिंग मतलब वो कोई भी चीज टूटे हुए कि डीएनए को फिर से दोबारा जोड़ देता है, समझी, मतलब ये ग्लू का काम करता है। अब ये रिपेयर एंजाइम, तो रिपेयर एंजाइम में क्या होगा, देयर आर सम एरर ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, कुछ एरर होता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, रिपेयर इंजाइम क्या करता है, रिपेयर इंजाइम कैन एक्साइज मतलब हटा देना, एक्साइज द रॉन्ग बेस, ठीक है, विथ करेक्ट वन, समझ आया। ड्यूनी बोला जा रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान कुछ एरर हो जाता है ओकेजनली, रिपेयर इंजाइम क्या करता है, उस दौरान रॉन्ग बेस को हटा देता है और उसके बदले किसको लगाता है, करेक्ट बेस को लगा देता है। ये काम होता है रिपेयर इंजाइम का। और ये किस स्टेप में होता है, लास्ट स्टेप में होता है डीएनए का, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। समझ आ गया, ठीक है। अब देखो, किसी को पूछना है कुछ, मिटा दें, इज देयर एनी प्रॉब्लम, बोलो जल्दी फास्ट। एलिना, अंशिता, कोई प्रॉब्लम, पूजा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेस, ठीक है, अब हम लोग आ गए प्रोसेस में। Mechanism of DNA replication. Mechanism of DNA replication. सबसे पहला स्टेप है recognition of इनिशिएशन पॉइंट। इसमें दो चीज ध्यान रखना जो हम बोलेंगे, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि होल डीएनए, कंप्लीट डीएनए कभी भी डीएनए रेप्लिकेशन में भाग नहीं लेता, बिकॉज
कंप्लीट डीएनए को रेप्लिकेशन करने के लिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी लिविंग सेल को देना पड़ता है दैट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोवाइड एट अ टाइम। इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन का कोई पर्टिकुलर पार्ट डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेता है। और वो कैसे समझेगा कि किस पार्ट से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वो है इनिशिएशन पॉइंट। ठीक है, वो क्या है, इनिशिएशन पॉइंट। तो डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक पॉइंट में, एक स्पेसिफिक पॉइंट में या पॉइंट से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है और इस पॉइंट को कहा जाता है क्या, इनिशिएशन पॉइंट। इनिशिएशन क्लियर, इनिशिएशन पॉइंट क्लियर। अब देखो, अब इस इनिशिएशन पॉइंट को आइडेंटिफाई करें कौन करेगा, इट इज आइडेंटिफाइड बाय प्रोटीन फैक्टर। ठीक है, सो कौन आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाइड बाय स्पेसिफिक प्रोटीन फैक्टर, है ना, स्पेसिफिक प्रोटीन। वो स्पेसिफिक प्रोटीन क्या है, डीएनए ए, डीएनए बी और डीएनए सी। ये तीनों जो प्रोटीन फैक्टर है ये आइडेंटिफाई करता है किसको, स्पेसिफिक पॉइंट को, जिसको बोला जाता है इनिशिएशन पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ये हो गया रिकॉग्निशन ऑफ इनिशिएशन पॉइंट। सेकेंड स्टेप क्या है, अनविंडिंग ऑफ डीएनए। हम जान तो गए लेकिन जब तक ये डीएनए का स्ट्रैंड तो ट्विस्टेड है, हेलिकल है, इसको जब तक हम खोलेंगे नहीं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो अनविंडिंग ऑफ डीएनए, अनविंडिंग या सिंपल इंग्लिश में अनकॉइलिंग, अनकॉइलिंग ऑफ डीएनए। अब यहां पे फिर सवाल है सर अनकॉइलिंग कैसे होगा। हम लोग दो एंजाइम के बारे में आज पढ़े, हेलिकेज और टोपोइसोमरेज। सबसे पहले हेलिकेज क्या करेगा, ये जो दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है इसका मेजर कारण है इन बिटवीन देम हाइड्रोजन बॉन्ड। ये उस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अनकॉइल यानी अलग हो जाएगा। लिखेंगे एट द इनिशिएशन पॉइंट, ठीक है, द अनविंडिंग, एट द इनिशिएशन पॉइंट द अनविंडिंग इंजाइम बाइंड्स एंड ओपन अप अ लूप। ठीक है, बाइंड करता है और उस लूप को ओपन करता है। अब क्या होता है देखो, अनविंडिंग जो होता है, अनविंडिंग प्रोसीड्स इन टू डायरेक्शन, अनविंडिंग दो डायरेक्शन में होता है, या लिख सकते हैं कुछ बुक में लिखा है बोथ द डायरेक्शन। क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होता है, याद करो, मतलब एक स्ट्रैंड अगर इधर से 3-5 है तो दूसरा स्ट्रैंड इधर से 3-5 है, तो दोनों स्ट्रैंड में जो अनविंडिंग होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इन बोथ द डायरेक्शन। ठीक है, अब द अनविंडिंग, ठीक है, बेटर इसको ये लिख देते हैं, इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। शुरुआत कौन करेगा इसका, द अनविंडिंग ऑफ
डीएनए हेलिक्स, अनविंडिंग जो होता है डीएनए हेलिक्स का इज द अनविंडिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इज डन बाय हेलिकेज, जो कि दो स्ट्रैंड के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देगा एंड द ब्रेकिंग एंड रीसीलिंग, ब्रेक करने के बाद फिर से दोबारा जोड़ना, ब्रेकिंग ऑफ रीसीलिंग ऑफ डीएनए कौन करेगा? बाय टोपो आइसोमरेज, टोपो आइसोमरेज एंजाइम, ठीक है, विच रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट होगा इसका? रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए वाई शेप स्ट्रक्चर, विच रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाई शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड रेप्लिकेशन फॉर्म, और इससे क्या फॉर्म होगा? एक वाई सेपरेट स्ट्रक्चर का फॉर्म होगा, जिसको बोला जाता है रेप्लिकेशन फॉर्म, ठीक है, ऐसे बनेगा। देखो ये डीएनए जब खुल जाएगा ना, तो इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये किस शेप का है? वाई शेप स्ट्रक्चर, और इस वाई शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वाई शेप स्ट्रक्चर को रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां तक समझ आ गया? कोई पूछना है तो पूछो। ये तीनों प्रोटीन फैक्टर है, एंजाइम नहीं बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन फैक्टर है, ठीक है, जो सिर्फ पहचानता है कहां से इनिशिएशन पॉइंट है, और कुछ नहीं करेगा, पहचानने का खत्म इसका काम, खोलने का काम कौन करेगा? एंजाइम। उस एंजाइम को क्या बोलेंगे? अनविंडिंग एंजाइम, या अगर अनविंडिंग का सिंपल इंग्लिश क्या हो गया? अनकॉइलिंग एंजाइम। समझ आया? अरे भाई, अनविंडिंग सेल से बनता है, कोई भी लिविंग सेल से, ठीक है, क्लियर। वो तुम्हारा जो भी इंजाइम बनेगा वो साइटोप्लाज्म में बनेगा, और इंजाइम का नेचर क्या होता है बोलो? हाँ, तो फिर प्रोटीन से बनेगा वो, और प्रोटीन को कौन बनाएगा? डीएनए। तो उसका अल्टीमेट स्रोत क्या हो गया? डीएनए। समझ आया? ठीक, और बोलो, किसी कुछ पूछना है? एलिना, अंशिता, पुष्पा, अक्षय, गोविंद, श्रुति, पूजा, सबसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। अब देखो, ये तो हो गया, लेकिन अभी तक मेरा मेन काम तो नहीं हुआ रेप्लिकेशन, और डीएनए रेप्लिकेशन को शुरुआत करने के लिए क्या चाहिए? शॉर्ट आरएनए प्राइमर। तो थर्ड स्टेप क्या होगा? आरएनए प्राइमिंग। ठीक है, आरएनए प्राइमिंग। आरएनए प्राइमिंग क्या समझ लो? नो डीएनए पॉलीमरेज, नो डीएनए पॉलीमरेज
इंजाइम, नो डीएनए पॉलीमरेज, कोई भी ऐसा इंजाइम पॉलीमरेज नहीं जाना जाता है जो खुद डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है, इज नोन विच कैन इनिशिएट यानी स्टार्ट करता है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन बाय इट्स ओन। कोई भी ऐसा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं है जिसमें यह कैपेसिटी है कि वो खुद डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट यानी इनिशिएट कर सके। दे ऑलवेज रिक्वायर द हेल्प ऑफ शॉर्ट आरएनए प्राइमर, ठीक है, एंड दिस आरएनए प्राइमर इज कॉल्ड, एंड दिस आरएनए प्राइमर सॉरी इज सिंथेसाइज बाय कौन सिंथेसाइज कर रहा है, सिंथेसाइज बाय प्राइमेज इंजाइम। कौन इंजाइम, हम लोग जस्ट पढ़ चुके हैं, प्राइमेज इंजाइम इसको सिंथेसाइज करता है, ठीक है, हो गया। अब फोर्थ होगा फॉर्मेशन ऑफ डीएनए ऑन आरएनए प्राइमर। अब आरएनए प्राइमर की मदद से डीएनए का सिंथेसिस शुरू होगा, इसको कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है, इसमें लिखेंगे नाउ डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस, डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसिस स्टार्ट्स। Now DNA synthesis start from the primer. And is influenced by the enzyme DNA polymerase 3. ठीक है, और इसको स्टार्ट कौन करता है, DNA polymerase 3, ठीक है। अब लिखेंगे DNA synthesis takes प्लेस किस डायरेक्शन में होगा, इन 5-2-3- डायरेक्शन, लेकिन जिस ट्रेंड में होगा उसका पोलैरिटी क्या होना चाहिए, इन अ डीएनए टेम्पलेट, इन अ डीएनए टेम्पलेट या इन अ डीएनए स्ट्रैंड of 3-5- direction, मतलब जो डीएनए स्ट्रैंड में डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसका पोलैरिटी होना चाहिए 3-5, लेकिन जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वो किधर से किधर होगा, 5-3, ठीक है। अब क्या होता है, देखो एक डीएनए का स्ट्रैंड क्या है, 3-5, दोनों तो एंटी पैरेलल है, तो दूसरे का हो गया 5-3, तो जिस डीएनए स्ट्रैंड का पोलैरिटी 3-5 है उसमें डीएनए कंटिन्यूअस होगा, उसमें डीएनए कंटिन्यूअस होगा क्योंकि पोलैरिटी मिल गया, लेकिन यहां पे तो गड़बड़ हो गया,
यहाँ पे पोलैरिटी चेंज हो गया, तो यहाँ पे डीएनए का जो तुम्हारा सिंथेसिस है वो टूट टूट के होगा, ठीक है ठीक है। तो एक में कंटिन्यूअस हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसको मिल गया 3-5 वाला चेन, दूसरा तो एंटी पैरेलल है, इसमें मिल गया 5-3, इसको ये स्ट्रैंड नहीं मिला, इस कारण से यहां पे भी डीएनए रेप्लिकेशन होगा लेकिन टूट टूट के होगा, और टूट टूट के होने के कारण इस पूरे डीएनए रेप्लिकेशन को कहा गया डिसकंटिन्यूअस। अब जिस स्ट्रैंड में कंप्लीट नया बना इसको बोला गया लीडिंग स्ट्रैंड, क्या बोला गया? लीडिंग स्ट्रैंड, और जिसमें टूट टूट के बना इसको बोला गया लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। समझ आया यहां तक? आया समझ में? ठीक है, आप देखो और लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा वर्ड में भी लिख दे रहे हैं। सिंस द टू स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल इन वन स्ट्रैंड, डीएनए सिंथेसिस इज कंटिन्यूअस कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, व्हाइल इन अदर इट इज डिसकंटिन्यूअस। दूसरे में देख रहे, टूट टूट के हो रहा है, इसको सब इसको क्या कहा गया? ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, क्योंकि जापानी साइंटिस्ट ओकाजाकी ने इसको डिस्कवर किया था एंड कॉल्ड, इस तरह के स्टेगमेंट को क्या बोलेंगे? एंड कॉल्ड लैगिंग स्ट्रैंड। बाद में इस स्ट्रैंड को भी आपस में जोड़ा जाएगा, कौन जोड़ा? डीएनए लाइगेस, और तब जाके दो स्ट्रैंड वाला डीएनए का कंप्लीट, ठीक है, ये हो गया इस प्रोसेस में। दूसरा, जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, इमीडिएटली डीएनए पॉलीमरेज वन इस आरएनए प्राइमर को डीएनए स्ट्रैंड से, यहां पे था ना आरएनए प्राइमर, इस आरएनए प्राइमर को, आरएनए प्राइमर रिमूव्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज वन एज रेप्लिकेशन स्टार्ट। जैसे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा, कौन एंजाइम रिमूव करेगा? डीएनए पॉलीमरेज वन। और इस तरह से दो तरह का स्ट्रैंड बना, शुरुआत में लीडिंग और लैगिंग, बाद में लैगिंग को भी जोड़ दिया गया किससे? डीएनए लाइगेज से। तो अब दो डीएनए स्ट्रैंड से दो नया बना, यानी टोटल कितना डीएनए स्ट्रैंड बना? 4। यहां तक समझ आया? जल्दी बोलो, किसी को दिक्कत है? गोविंद, अक्षय, अंशिता, पुष्पा, किसी को भी? एलिना, ठीक है। अब है इसका लास्ट फेज, बोलो, कुछ पूछ रही थी श्रुति। श्रुति, पूजा, ठीक है, लास्ट फेज क्या है तुम लोगों को शुरू से बता रहे हैं ना? प्रूफ रीडिंग, प्रूफ रीडिंग में क्या है देखो, ठीक है, प्रूफ रीडिंग डीएनए रिपेयर। फिफ्थ, प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए रिपेयर,
डीएनए रिपेयर, प्रूफ रीडिंग करेगा डीएनए पॉलीमरेज टू, और डीएनए रिपेयर करेगा रिपेयर इंजन। अब देखो, अ रॉन्ग बेस, अ रॉन्ग बेस इज समटाइम, ठीक है, इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। रॉन्ग बेस पेयरिंग कभी कभार हो जाता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, हुज फ्रीक्वेंसी इज 1 in 10,000। 10,000 बेस पेयरिंग में, ठीक है, एक में ऐसा हो सकता है, ठीक है, 1 in 10,000, ठीक है। अब डीएनए पॉलीमरेज टू ये क्या करता है, इज एबल टू सेंस द सेम, वो इसको आसानी से पकड़ लेता है कि ये मिसपेयरिंग हुआ है, इज एबल टू सेंस द सेम, गो बैक, वो पीछे की तरफ फिर से डीएनए स्टैंड की तरफ जाता है, पीछे की तरफ, ठीक है, एंड रिमूव द रॉन्ग बेस एंड देन प्रोसीड द फॉर्मर एंड देन प्रोसीड फर्दर, और फिर आगे बढ़ता है, ठीक है, विद न्यू सिंथेसिस, मतलब जो गलत था उसको हटाया और उसकी जगह सही को सिंथेसाइज करके उसको वहां पे ऐड कर दिया, ठीक है। सुनो, अब इफ देयर इज एबनॉर्मल बेस पेयरिंग इन डीएनए, इफ देयर इज एबनॉर्मल बेस पेयरिंग, मान लो ए के साथ टी का होना चाहिए, हो गया जी का, तो ये तो एबनॉर्मल बेस पेयरिंग है। इफ देयर इज एबनॉर्मल बेस पेयरिंग इन डीएनए, दिस कैन बी एक्साइज्ड, पहले इसको काटा जाता है, काट के हटा दिया जाता है, एक्साइज्ड, एंड द डैमेज्ड रीजन, और जो पार्ट डैमेज तुम काट के हटाए तो डीएनए का वो पार्ट तो डैमेज हो गया, एंड द डैमेज रीजन रिप्लेस्ड बाय अ करेक्ट बेस, रिप्लेस्ड बाय करेक्ट बेस पेयर, करेक्ट बेस पेयर उसकी जगह करेक्ट बेस पेयर से उसको रिप्लेस किया जाता है। दिस इज नोन एज डीएनए रिपेयर, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए रिपेयर, एंड इज डन बाय रिपेयर इंजन, ठीक है, एंड इज डन बाय रिपेयर इंजन। फिर से समझो, जब डीएनए का बेस पेयरिंग होता है, क्यों प्रोबेबिलिटी होता है कि 10,000 बेस पेयर में एक रॉन्ग बेस पेयरिंग होता है, और इसको सबसे पहले कौन सेंस कर लेता है, डीएनए पॉलीमरेज टू, वो फिर डीएनए चेन में बैकवर्ड मूव करता है, उस चेन को पकड़ता है और उस बेस पेयर को रिमूव कर देता है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ता है। ये तो वो हो गया, लेकिन अब उसको हटाने के बाद उसकी जगह सही को जोड़ना भी तो है, ये सही को कौन जोड़ेगा, रिपेयर इंजन, वो क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज टू के साथ मिलके उसको काट के हटाता है, और जब वो जो पार्ट को काट के हटाया वो तो डैमेज हुआ, उसको तुरंत रिप्लेस करता है बाय अ करेक्ट बेस पेयर, ठीक है। इस प्रोसेस को डीएनए रिपेयर कहा जाता है, और एंजाइम को रिपेयर एंजाइम, क्लियर, किसी को पूछना है कुछ,
एलिना, अंशिता, पुष्पा जी? नो सर। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।